मामा जा रहे हैं। को मैंने बोली नहीं थी इन लोग आने, लेकिन इन लोग फिर भी अचानक में टपक गया। बर्फी लेने के लिए गई। दोनों नानी नवासी सेम है। हम लोग बोल भी सकते थे रुक जाओ, वरना पीछे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हूँ आप सब उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, अल्लाह आप सबको अपनी जुमान में रखे, कोई दुख परेशानी मेरे किसी भी यूट्यूब फैमिली के तरफ। चले आज का ईद का सेकेंड डे वाला ब्लॉग शुरू करते हैं। मतलब आज को आज भी थोड़े थोड़े जन बकरे को कुर्बानी कर रहे हैं ना। बकरे को कुर्बानी करते ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत होगी, बढ़िया होगी, मज़े में होंगे। और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ सबसे ज़्यादा हमारी आपकी बाजी को लगे, हमारी नहीं आपकी बाजी को लगे। चले हम लोग एक्चुअली निकले, नुमेर आ रहा है, नुमेर ताला मार के आ रहा है घर पे, हम लोग आगे निकले, हम लोग जा रहे हैं आज। अच्छा नुमेर का कुछ कॉलेज का भी काम है और अम्मी से भी थोड़ा से वहाँ से वहाँ निकल के अम्मी से मिल के वहाँ से वहाँ आ जाऊँगी, तो बस चलिए फिर अम्मी से भी आपको हम लोग मिलाएंगे, उनसे भी ईद मुबारक करवा देंगे। अम्मी से भी मिलवा देती हूँ, चलो मैं भी जा ही रहा हूँ, मैं भी निकल ही जाती हूँ अभी घर में बैठ के, मैं क्या करूँ, कल का दिन तो पूरा घर में ही गया हम लोग का, तो गया गाइस, सालगिरह भी घर में चले गई, इस बार एनिवर्सरी भी ना घर में गई। आपकी भाजी ने केक मेरी खिलाई, एक केक नहीं लेकर आया इस बार, तो ये पहले साल हुआ ऐसा कि केक नहीं आया हम लोग के एनिवर्सरी में, वरना एक केक तो आता ही है। चला क्या गर्म हो रहा है, कचरा मेरे भी कचरा नहीं लेंगे तो रात में रहेगा वो, बकरे चले गए, देखो खाना रह गया बकरों का, अब बकरे की मंडी खाली हो गई, सिर्फ एक बकरा था, पूरी मंडी खाली हो गई, देखो सब उठा रहे अभी जो जो जल्दी जो, छोले भटूरे खाना था इन लोगों, चलो पपड़ भी है, अच्छा है, पार्सल ले लो सब। गाड़ी को वो कवर बांध के रखो, अभी कवर मार के रखता, अभी रस्सी बांधना पड़ेगा, अभी रस्सी लेना पड़ेगा। क्या मालूम वो डॉगी अंदर बैठा था यहाँ पे, उसका कीड़ा डॉगी का कीड़ा इसके यहाँ पे चल रहा था, और वो अभी दर्द हो रहा है वो ना, रात को गाड़ी वो करके रखेंगे ना, कवर भी डाल के रखेंगे ना, वो गाड़ी के अंदर से ना वो डॉगी लोग है ना, कुत्ते लोग वो चढ़ते हैं, आधा के पीछे बैठ जाते हैं, अभी यहाँ बैठ जाते हैं, क्या बोलेंगे सब इंसान तो इंसान, ये जानवर भी परेशान करो। काट रहा है बोला, काट रहा है, दिखाना पड़ेगा उसको डॉक्टर को, लोग अभी ना अभी हम लोग यहाँ से ना पूरी भाजी पार्सल ले रहे हैं, अम्मी के वहाँ जाके बैठ के लोग खाएंगे, इन लोगों यहाँ का छोले भटूरे चाहिए ही थे घर पे, तो मेरे हाथ ही घर पर यहाँ का ही छोले भटूरे चाहिए, चलो पार्सल लेते फिर जाते हैं बैठ के खा लेना, बहुत अच्छा ये तो है कि यहाँ का एक नंबर है, हम लोग कहीं भी खा ले, लेकिन यहाँ का टेस्ट जाता नहीं है ना भाई। कांदा डाले, कांदा 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 डाले ना, थोड़ा अचार डाले, अच्छा अचार दिया नहीं क्या, थोड़ा अचार दे पास, और वो सबके मसाले अलग अलग डाले ना, सबका मसाला अलग है, आईडी अलग अलग है, डाल दे पीछे ले ले, अच्छा चल माई चल जल्दी चल चल, चलो हम लोग पहुंचे अभी जोगेश्वरी, क्या धूप है यार, बारिश आके भी कोई फायदा नहीं है, सब बिल्डिंग बन गई फद्दू, अल्लाह अकबर कितनी बिल्डिंग बन गई देखो, चलो 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 पहुंचे अपने घर पे, आ गए हमारा, ये गाड़ी को निकाल के वहां लगा, कहाँ खड़ा करेंगे, यहाँ से जाएंगे, जा अभी गाड़ी आगे पीछे करो,
कैसा होएगा देखो नुमेर को, तो पूरा तार लगी हुई है बाइक में, पूरी तार फंसी हुई है। हाँ ले लो, पीछे ले लो, चलो जगह बनाना पड़ता है यहाँ पे। चलो मैं कैसा निकलूंगी, ये ले पकड़, धैर्य पकड़, फटाफट से चलो, तुम लोग निकलो, हम लोग आ रहे हैं, जा। मामा जा रहे हैं, है कि नहीं है? फोन लगाते तो फोन भी नहीं उठाते, तो क्या करें? चालू है ना फोन, चला बिना फोन करे आना पड़ेगा ना, चालू है फोन, फोन ने कभी उठा के रखी है। चलो पकड़ो ना, गिर जाऊंगी ना अंदर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। चलो अम्मी के वहाँ पे आए फाइनली हम लोग, ईद अभी लोग यहाँ ईद के लिए बातचीत को मैंने बोली नहीं थी इन लोग आने, लेकिन इन लोग फिर भी अचानक में टपक गए। आज उन्होंने सरप्राइज दिए उनको, बोला अच्छी रात को मैंने उनको कॉल की, ये उठाए नहीं, ये बिजी दिखा रहे थे, मैं छोड़ दी, मैंने चलो ऐसे भी मेरा काम है तो निकलो, थोड़ा इनके पास भी मिलके बैठ के थोड़ा निकल जाते करके, बोली चलो नुमेर का काम है, अभी कॉलेज जाना है मेरे को, तो नुमेर बोल रहा है कि मम्मा परदेसी को मिलने आए थे, हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह उठ के पहली गाड़ी से घर को लौट जाएंगे, तो ये लौट जाएंगे अभी देखिए। आखिर में ये फैयाज की सास है, बता दिए उनके भी डायलॉग वैसे ऐसे ही रहते फैयाज के भी। तो कैसे रही अम्मी, कल का दिन कैसा गया? अम्मी का तो अच्छा ही गया, यहाँ पे तो बहुत बड़ा मजा आया, यहाँ तो मजा आता है, यहाँ टेंशन नहीं अपने को, मेरे सब इस्तम के लोग आते हैं जाते हैं, बातें करते, सलाम दुआ होते रहती है, मिलना जुलना चालू रहता दिन भर, तो यहाँ जी लगता, इनके वहाँ जी नहीं लगता मेरे को। मम्मी को ये अंदर में यहाँ पे एरिया में कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे यही दया करके आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लगता ही यही दया। अरे बाप रे, इतनी गर्दी थी, इतनी भीड़ थी, ये पैर रखने को जगह नहीं थी रोडों पे, सबके घर में दो दो बकरे लाइन से बंधे हुए हैं, चहल पहल इतनी थी क्या पूछो मत। हाँ यहाँ पे तो रहते हैं हम लोग, वहाँ पे नहीं था, मैं बोली ना आप लोगों को कल भी कुछ रहेगी, लगा ही नहीं मेरे को कल के बकरा ईद के वहाँ तो रमजान भी नहीं लगता है। आज मेरे बेटे के वहाँ कुर्बानी है ना बड़े की, माशाल्लाह बड़ा जानवर लिए तो अक्खा लिए, उसमें आज लेकर आए जुबा करके देवनार से, तभी काम चालू है। सबके यहाँ बस अल्लाह से, बस सबकी दुआ है, अल्लाह से यही दुआ है कि कल भी जितने लोगों ने कुर्बानी किया है, आज भी कुर्बानी किया है, अल्लाह सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे, और अल्लाह उनको ऐसी तौफीक दे कि हर साल अल्लाह उनके घर में कुर्बानी जरूर हो, और जो नहीं किए अल्लाह उनको भी उस मुकाम तक लेके आए कि उनके घरों में भी जरूर कुर्बानी हो। बस अल्लाह उनको भी हिम्मत दे के सबके घरों में कुर्बानी हो। चले बस यहाँ से ना, बस अम्मी से थोड़ा से हो गया, बात कर लिए, मिल लिए, और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे घर पे, और बाकी का तो आप लोग रहोगे ना, वीडियो को एंड मत करो, पूरा देखो करो यार, लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर दो फटाफट से, काहे के लिए आप लोग वेट करते, इतना मदीना आप आगे आधी वीडियो हो जाती है, लाइक नहीं करते आप, लाइक ठोको और फिर आगे चलो, और ब्लॉग को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, माई को देखो, और मेरा नुमेर देखो कहाँ टाइम पास कर रहा है, नुमेर कहाँ पे जाके बैठा है ना, यही बैठ जाता है इसकी जगह, ये अभी जगह में हमारे को बची नहीं, देखो इतनी जगह बची है, ये अम्मी का घर देखो, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, यही घुमाओ, ये रोटेट इतने में रोटेट होता है अम्मी, और यही हम लोग इतने ही घर में, हम लोग सब बहन भाई कितने इस्तमा वाले आते, मेरे घुस के बैठ जाते इसी के अंदर, इसमें घुस के बैठते हैं, घुस के बैठते इसमें, यही बैठ के नाज शरीफ पढ़ते करते सब जाते, गप्पे चढ़े लड़ाके। अम्मी मेरे को वही बोलते हैं, कभी कभी हमको कुछ चिल्लाते भी है कि बोले वहाँ भी मालूम नहीं करूँ, तो माशाल्लाह मेरा बड़ा है यहाँ से, लेकिन हम लोग का जो बचपन है ना, इतने से रूम में निकला है, मतलब ये इतने से यही घर के अंदर खुशियाँ बहुत मिलती है। हाँ ये इतने से, इसलिए मैं ये घर मेरा मैं छोड़ती नहीं, अम्मी नहीं जाती, अम्मी नहीं जाते, क्योंकि हम लोग का बचपन, अम्मी की शादी के बाद से हम लोग अम्मी यही रूम में रहे ना, अम्मी हम लोग बड़े हुए हैं ऐसे शादी, मतलब सब कुछ यही रूम से ही है, तो इतने ही से रूम है, मतलब लाइफ पूरी आधी निकली है। पांच जन का गुजारा हुआ ये घर के अंदर हमारा, पांच जन हम लोग, पांच मेंबर, बाकी चले शेयर करूंगी, अभी आप लोग मेरे को मालूम है बहुत कमेंट करेंगे, मदीना आपा ये बताओ, मदीना आपा वो बताओ, तो मदीना आपा सब बताएगी, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है चले निकल, कटोरा कुछ चाहिए? नहीं नहीं कटोरा नहीं चाहिए, अरे कहाँ डाल रहे हैं, छोटा कटोरा दो, मैं छोटी प्लेट दो, कांदा डालने अचार भी दी, मैं बैठ जाओ, चलो चलो आ जाओ आप लोग खाने खाने के लिए, कितनी फूली भी पूरी थी, अभी देखो क्या चपट हो गई, तो चपटी हो जाती ना सोडा भरपूर डालते ना। हाँ मैं मेरे बाहर बैठ गया, हाँ जी कितना अच्छा कलर आ गया देखो, ले पी ले शरबत,
रमा शरबत पी रहा, एप्पल जूस डंडे टू मत पी, तू 30 रुपए वाला पाउच पी। क्यों नहीं पी रही है? ले पहले भाई को पी रहा ना, मैं पी रहा। ले भाई तू ये पी ले। देख क्या दिया नानी ने, ये अंकल का है ओआरएस। अरे मैं ये तुम रखो ओआरएस, तुम काम आएगा ये। पी ले इसको, छोड़ पियो पियो, इन्हें शरबत पड़ी है यहाँ पे। एप्पल वाला पीना माई तो एप्पल का मस्त लग रहा है, रख दे वो फ्रिज में रख दे, वो बीमार होते ना वो कभी भी तो उनको काम आएगा। तू पी लेगी मस्त है, पीने के लाती हूँ मैं मस्त है। क्या क्या डालते हैं इसमें? शक्कर का शीरा है, कलर है, एप्पल है, दूध है। चलो चले, बारिश हो रही है बोलते हैं। ये देखो इन्हें कहाँ चढ़ के बैठा, देखो कहाँ भी जगह बना के उन्हें बैठ गया, क्या करेगा। चले जाएंगे, अम्मी यहाँ बैठे हैं। अम्मी तुम्हारा कबाड़ टूट गया पीछे से पूरा। अरे वो बरसात में पानी भरता ना, ये पूरा इतना ये भर के ऊपर आ जाता ना। ये बार पानी अभी आया था कि बीच में बारिश, अभी दो दिन आया था, ये पूरा ये सब भर गया। पानी आता ना अम्मी के घर में भर जाता है, बारिश का ही बहुत दुख है। कबाड़ भी वो बारिश के चक्कर में टूट गया, दूसरा कबाड़ पानी की वजह से नहीं लाती, नहीं तो लाके रखने को क्या। पानी की वजह से लाते नहीं, वो पानी आता घर में। चलो हम लोग अभी निकले घर से, अम्मी के पास से अभी जा रहे हम लोग, और काम है अभी। गर्म देखो ना, गर्म भप्पा काड़ा मार रही है। कहाँ है अम्मी, कहाँ है क्या अम्मी? चलो ठंडे को चलो माइम जाते। हाँ। रिक्शा नहीं है ना? रिक्शा नहीं है, रिक्शा ही तो है, और क्या है। थोड़ी जाती संडे को, अभी आज क्या दिन है? ट्यूजडे है, आज संडे को जाके आते। चलो चार पाँच दिन देखते, सुबह ही जाके आ गई हूं। इसको भेज देती, इसको लेके चले जाऊं मेरे को। चलो फिर निकलू मैं। हां निकल, चलो रानी बैठ के तो बैठ जाओ अंदर। पकड़ मम्मी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मम्मी। बर्फी का टुकड़ा खाती क्या? चलती लेती घर पे से बर्फी का टुकड़ा चाहिए। अकेला हूं हरा वाला। अल्लाह बर्फी लेने जा रही है। कहां जा रही माई? बर्फी लेने। हाँ माई कहाँ जा रही? जा जा क्या जल्दी जल्दी आ। बर्फी लेने के लिए गई आई। दोनों नानी नवासी सेम है, यहाँ सेम कॉपी है, चलते भी देखो तो कैसा है। दोनों सेम चलते भी सेम ही है, सेम ही सेम है। चलो अम्मी तुम लोग दोनों सेम चलते हैं। अम्मी क्या लेने गई थी? अच्छा ये वाली इसको बहुत पसंद है, ऑरेंज वाला लड्डू। फिर कौन सा वाला? वाइट वाला बर्फी। वाइट बर्फी, बर्फी वाइट बर्फी, वो बर्फी बर्फी। जब मैं आऊंगी ना तब लेके आऊंगी, रो मत, मैं नहीं मार दूंगी मैं। माय का चालू हो जाता नानी के पास आएगी ना, उसको नानी को चलो 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 नहीं जा मैं आऊंगी आएगी थोड़ी। चलो भाई ख्याल रखो अम्मी तबियत पानी का। हाँ चलो अल्लाह। चलो अब हवाई देखो, गाड़ी चली तो हवाई। क्या मौसम लग रहा है देखो ना, मस्त। हाँ बारिश आएगी से लग रहा है बच्चू। बारिश आना चाहिए, थोड़ी आएगी बंद हो जाएगी। क्या है नुमेर, एकदम ना बादल भर गए। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा मालवरी का कब्रिस्तान। अच्छा ये बादल देखो कितने भर गए देखो, ऐसी अभी बारिश आएगी ना। अच्छा हम लोग पहुंच गए घर पे, निकल गए हम लोग। बारिश आ रही है, अल्लाह बारिश आई देखो। बोली और बारिश पूरी भर के आई। चलो निकल आ गई, देखी बोली ना भी बारिश आएगी।
बच्चे लोग को बड़ा मजा आती है हमारी जगह। पानी आ रहा है, खोल दे खोल दे खोल दे। बस हो गया एक किरण। अल्लाह पकड़ ले पकड़ ले। हाँ बांध आगे बांध लेते ना, पर जो तुम भी गिल्ले हो जाएंगे ना। पापा के पास दे, पापा के पास दे। तब पानी भर गया, ये देखो पूरा पानी भर गया, देखो इसी बारिश में। यहाँ भी भर गया पानी, ये देखो। मीनू उतरो, हेलो तगड़ो, हेलो बच्चो। डॉगी है बोल रही है वो, खिड़की पे जाके आवाज दे रही है मेरी। लकड़ी से भगाऊ कहाँ है? अरे हाँ यार, कैसे भगाऊ मैं? अरे अल्लाह यार, कितना गीला है ना, इसके लिए सूखे में आके बैठा हूँ। आ तू बजो, चल चल आ गया, आजा आजा आ गया। गया नहीं नहीं, मेरे झाड़ टूट जाएंगे भाई। नहीं मेरे झाड़ टूटेंगे, मारूंगी यार, जल्दी आओ उधर से। बंद कर दे गेट, बंद कर दे, बंद कर गेट। कीचड़ है ना अभी। चलो यहाँ पे ना मैं गोश्त, चिकन बकरे का गोश्त है, इसको ना मैं सूखा बना रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इसमें पानी भी डाल दूँगी ना डायरेक्ट। देखो सालन बन गया मेरा, अब इसको तो पहले मैं निकालती हूँ। निकाली, बटाटा डाली, थोड़ा गोश्त डाली, हो गया सालन रेडी। बच्चों को खाना निकालती हूँ पहले। माही नुमेर चलाओ नीचे। बुलाया उसको, क्या हुआ? उतरी बुखार फिर से? उसको बुखार चढ़ी, मैंने दवा पिलाई है उसको। बुखार मत देख मामा, बीमारी मत देख ज्यादा। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चले बस ब्लॉग को एंड करना है यहाँ पे, रात के बज रहे 11। खाना हो गया हम लोग का, आखे इतना हम लोग थक गए थे ना कि मैं आखे ना बस लेटी तो मुझे नींद ही लग गई। आपके फयाज भजन में सो गई और आपके फयाज भजन उठे और गाड़ी पे निकल गए। मतलब आके तो खाना खाए पहले, कल का जो पुलाव ईद में बनाई थी ना, तो वो पुलाव तो देखे थे आप लोगों ने, अच्छा खासा बना था, तो वही पुलाव था। फ्रिज में आई, गरम करी, खाए और खा के भी मैं मतलब ऐसा लेटी ना तो मेरे को नींद लग। आपके भाईजान गाड़ी पे चले गए तैयार हो गए, उठ के देखी तो गायब हो गए जनाब। मेरे को पूछी तो बोले पप्पा चले गए गाड़ी पे, तो वो निकल गए गाड़ी पे। बाकी चले खाना खा ली अभी। माही को थोड़ी बुखार फिर से चढ़ गई है, थोड़ी क्या चढ़ गई है बुखार। अभी अगर कल बुखार रहेगी तो उसको शायद मैं नहीं भेजूंगी ट्यूशन। बाकी आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया। नुमेर का कॉलेज का काम था मेरा कुछ, जो कि आज हुआ नहीं है, तो ये लोग कल जाएंगे, वो जो काम रह गया है। तो अभी थोड़े जब तक ये एडमिशन प्रोसेस चालू है ना, तो थोड़ा बहुत काम ना कुछ निकलता ही रहता है ना, ये चाहिए वो चाहिए, तो वो आप लोग को भी पता है। तो आज था मेरा काम, बट कैसे है ना, वो आम्मी के वहाँ से निकले तक ही थोड़ा लेट हो गया। और फिर हम लोग वहाँ गए तो फिर प्रिंसिपल सर मतलब मिले ही नहीं वहाँ पे, ये लोग जाके अंदर पूछ कर आए बट मिले नहीं, तो हम लोग सीधा निकल गए। और फिर रास्ते में बारिश आ गई और फिर आके आराम की। और अभी मैं सोचा कि चले अभी ब्लॉग को एंड करती हूँ यहाँ पे। और हाँ आज है ना माशाल्लाह, आज गोश्त भी माशाल्लाह मेरे फ्रिज में भरा हुआ है। आज मेरे भाई के अभी ना कुर्बानी थी,
तो अम्मी से गई मिलने, तो भाई की अभी कुर्बानी हुई तो उसने भी माशाल्लाह गोश्त दे दिया, तो आज फ्रिज जो है ना भर गई है। प्योर पैट मिली जाए इसको, प्योर पैट खिला। हाँ खाना देंगे तो लाड़ करेगी, मुझे तो मेरे से बात नहीं करेगी, उसको जो खाना देगा उसको लाड़ करेगी। हाँ दे 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 दे, खाना देगी ना आवाज बराबर निकलती है, वरना दिन भर इसके मुंह से हमने म्याऊं नहीं सुनी। वही बोली थी कि ना भाई के वहाँ कुर्बानी थी तो अम्मी से मिलने गई थी, कॉलेज का भी काम था तो बस वहाँ से वहाँ आपके फैयाज भजन गए, भाई बुला के भेजा तो आपके फैयाज भजन गए, वहाँ से भी गोश्त ले लिए और माशाल्लाह अभी फ्रिज में गोश्त है तो अभी बनेगा, दो तीन दिन गोश्त खाएंगे ख़त्म कर देंगे। बस ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना। माही को आवाज़ दूँ, माही आजा, हाथ में दे रहा है, डाल दे वहां पे वो खा लेगी। हां ना तू बच्चा रे भैया, उतरी पुकार खाई आज पुकार, उतरी थोड़ी सी ना, थोड़ी सी उतरी, दूषण मत जाना, अगर बुखार रहेगी तो मत जाना बेटा। हाँ 80 रुपए का साइड इफेक्ट है क्या माई है? 80 रुपए में ना मैंने इतनी नहीं खाई जंक फूड, मैंने सिर्फ एक इतना सा बर्गर खाई, सिर्फ इतना सा बर्गर खाई 80 रुपए का, 20 का। तो 80 रुपए की कहानी माई की खत्म ही नहीं होती है। अच्छी हो जाएगी, कोई नहीं कोई नहीं, चले जाती हूँ मैं अभी ब्लॉग को एंड करके, अभी जा रहे हैं आपके फैयाज भजन, पता है आपको आज किधर भाड़ा निकला उनको मिला? आपके फैयाज भजन का पता आज किधर का भाड़ा लगा? बहुत दूर का भाड़ा लगा है, तो मैं रिटर्न जाके आता हूँ। मैं तो मनाई कर रही थी कि क्यों लिए तुमने भाड़ा, क्यों उठाए? माई भी चिल्ला रही थी कि पापा क्यों लिए इतनी रात में, क्या है ना बारिश है, देखो बारिश हो रही, बारिश हो रही, क्या है ना बारिश का टाइम है ना, इतना दूर दूर जाते ना, है ना बारिश के टाइम पे इतना दूर दूर जाते ना, मेरे को बहुत डर लगता है कि ना फिर बारिश के टाइम पे ना मुझे बुखार चढ़ती, बुखार चढ़ती है, वही मैं बोली ना इतना लंबे का भाड़ा क्यों उठाया तुमने? मैं भी चला, पापा क्यों गया? नहीं जाने का था, तीन बजेंगे आप जगले, 3:30 बजेंगे देखना, रात को आएंगे वो उतना लेट, दो घंटे क्योंकि खाली जाने का है, आने का रिटर्न नहीं है, रिटर्न वो एम्प्टी आने वाले, खाली छोड़ना है। तो ये बोल रही थी तो बोलते जाने दे, बोले अभी मैं दिन भर आज के हम लोग जाके आ गए ना तो गाड़ी नहीं चली ना आज, तो बोले जाता हूँ कुछ कवर करके आता हूँ, और उनका इसी अगर दिन भर नहीं कवर होता है ना तो रात में अगर दूर का भाड़ा मिलेगा ना तो छोड़ते नहीं है भाग जाते। और ना गाइस हम लोग बोल भी सकते थे रुक जाओ, वरना भाड़ा ना पीछे बैठे थे, बोल रही थी फोन पे तो बोलते भाड़ा है पीछे चुप बैठे, अभी क्या रास्ते में उतारे गए क्या उसको, उसको बोलते माई को कि भाड़ा है पीछे, चलो कोई नहीं अल्लाह हिफाजत से करके लेके आएंगे। देखते हो अभी कितने बजे आते, ये घर पर जब तक नहीं आते ना तो मेरी ना सांस अटकी हुई रहती है, ये रात को भाड़ा उठा है ना, रात में ऐसे बिजली काटती ना मैं तो रोने लग जाती। हाँ यार डर लगता है ना दूर जाते हो तो, आप लोग को मालूम है क्यों, रात का टाइम है और फिर रात के टाइम पे लॉरिया बहुत चलती है ना रोडो पे, रात के टाइम पे बहुत मतलब माल आता है ना वो सब वेजिटेबल्स और ये सब मतलब जो भी माल होता है ना सब रात के टाइम पे लॉरी भर भर के आती है, तो इसलिए ना मेरे को रात का टाइम डर लगता है तो मैं मना करती हूँ। बाकी चले बस अल्लाह हिफाजत से घर पे पहुँचाए। बाकी ये था आज का व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना, पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में हम सबको याद रखना, अल्लाह हाफिज़।